हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। ये मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए हैं उबले हुए, मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी। और ये एक कटोरी फ्रोज़न मटर है, दो गाजर हैं, थोड़ी सी अदरक ली है हमने, एक बड़ी शिमला मिर्च और चार हरी मिर्च। इन सबको हम मोटा मोटा काट के कुकर में 2 सीटी लगवा लेंगे। दोस्तों, 1 गिलास पानी डालेंगे, आधा सा चम्मच इसी में नमक डाल लेंगे हम, और ये सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। आपके पास फूल गोभी है वो भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जौन सी भी सब्जी आपके पास है आप डाल सकते हो। दोस्तों, इसमें 2 सीटी लगवा लेंगे, फिर बताते हैं आपको। हमारी सब्जी उबल गई है, अब हम इसे मैश कर लेंगे। दोस्तों, हमारी सब्जी सारी मैश हो गई है, अब हम इसका तड़का बना लेंगे। तड़के में हम 2 बारीक बारीक प्याज काटेंगे, 10-12 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का और 4-5 टमाटर। इसको तड़का लगाने के लिए हम अमूल मक्खन लेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे पहले। और जो हमारे टमाटर हैं इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, आधा सा चम्मच। हमारा मक्खन गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इधर हम टमाटर पीस लेते हैं मिक्सी में। दोस्तों, हमारा हल्का ब्राउन हो गया प्याज, इसमें हम 1 चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इसको भून लेंगे। मसाला भून गया है, इसमें अब हम टमाटर को पका लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा पानी डाल लेंगे इसमें। दोस्तों, हमारा टमाटर पक गया है, अब हम इसमें जो हमने सब्जियां उबाली थी, मैश करी थी, वो डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी 1 मुट्ठी के करीब मटर ऊपर से और डाल लेंगे। नमक हमने इसमें पहले ही डाल लिया था, थोड़ा सा नमक और डालना है, आधे से कम। थोड़ी देर इसे पका लेंगे उबाल आने तक। भाजी बन गई है, इधर हम पाव गरम कर लेते हैं।